Good morning students, I hope all are you fit and fine. Today we done some topics about the chapter 4 tribal peoples. Tribes as झूम cultivation, यानी कि जो tribe people थे last lecture में मैंने बताया था कि tribe एक group of people होता है जिनकी traditions same होती हैं, same language होती है, same place पे वो same occupation करते हैं, वो tribe कहते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि ट्राइब्स के अंदर झूम कल्टीवेशन क्या होती है. स्टूडेंट्स, झूम जो कल्टीवेशन है वो है इट्स शिफ्टिंग बाय कल्टीवेशन, यानी कि ये जो खेती है वो शिफ्टिंग की कल्टीवेशन भी कहलाती है. दिस इज़ डन इन स्मॉल पीस ऑफ लैंड, और ये एक छोटे से जगह पे की जाती है. एंड मोस्टली इन फॉरेस्ट, और ज़्यादातर ये कहाँ की जाती है, फॉरेस्ट में की जाती है. यानी कि ज़्यादातर ये जो फॉरेस्ट जंगल जिनको कहते हैं, जो बीड जिनको भी हम कह सकते हैं, तो उनमें ये खेती की जाती है. क्योंकि जो ट्राइब पीपल हैं वो हमें फॉरेस्ट में ही मिलते हैं, तो वो जो लोग हैं वो फॉरेस्ट में इस प्रकार की कल्टिवेशन करते हैं. द फार्मर्स, जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं इस खेती के करने के लिए, फार्मर्स कट द ट्रीज, फार्मर्स ट्रीज एंड प्लांट्स को कट करते हैं, और उसके बाद दे बर्नड वेजिटेशन फॉर प्रिपेयर लैंड. उसके बाद वो क्या कर देते हैं, जो भी ये पौधे हैं, ट्रीज हैं, पेड़ हैं, उनको इकट्ठा करके जला देते हैं. और जलाने को क्यों जलाते हैं, जलाते हुए इसलिए हैं कि वो जगह जो है उनके लिए क्लीन बन जाए, ताकि उस जगह पे वो प्लांट्स आसानी से ग्रो कर सकें. और स्टूडेंट्स, जो ये ऐस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, राख, जैसे कि उन्होंने ट्रीज और प्लांट्स को बर्न किया तो उसके बाद जो रिमेन्स है वो आ जाता है ऐस. तो ऐस के अंदर, ऐस कंटेन के यानी कि पोटास, ऐस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, पोटास होता है. और ये जो पोटास है वो मेक सॉइल फर्टाइल, ये क्या करता है सॉइल को फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बना देता है. जो प्रोडक्टिविटी जो है उस एरियाज की वो बढ़ जाती है ड्यू टू पोटास, इसको हम पोटेशियम भी कह सकते हैं. दे स्कैटर्ड सीड्स आर स्कैटर्ड फॉर ग्रोइंग, और जो बीज जो हैं वो प्लोइंग नहीं करते थे, हल नहीं चलाते थे, जैसे कि आज हम मॉडर्न टाइम में हम प्लोइंग करते हैं खेत में, खेत की जुताई करते हैं. लेकिन उस टाइम में जो ट्राइबल पीपल थे वो प्लोइंग नहीं करते थे, हल से नहीं जोतते थे, वो क्या करते थे, बीजों को स्कैटर्ड यानी कि बीजों को छिड़क देते थे. तो इस प्रकार से जो ग्रोइंग की जाती थी, जो ये फार्मिंग जो थी वो, उसको हम क्या कहते थे, झूम कल्टिवेशन. वंस हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स वॉज डन, फार्मर्स शिफ्ट अनदर प्लेस, यानी कि जब एक बार फार्मिंग करके, जब एक बार उन्होंने वहाँ एक जगह पे फार्मिंग की, उसके बाद जब वो हार्वेस्ट कर लेते थे क्रॉप को, हार्वेस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स इकट्ठा करना अनाज को, यानी कि जब हमारी क्रॉप्स तैयार हो चुकी है, राइप यानी कि पक चुकी है, तो पकने के बाद जब हम हमारी क्रॉप्स को इकट्ठा करते हैं तो उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. तो ये प्रोसेस जो है वो हार्वेस्टिंग कहलाती है. तो हार्वेस्ट करने के बाद क्रॉप्स को फार्मर्स क्या करते थे, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते थे, शिफ्ट अनदर प्लेस यानी कि दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाते थे. दिस इज आल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और इस कल्टीवेशन को इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता था क्योंकि वो एक बार कल्टीवेशन करके हार्वेस्टिंग के बाद दूसरी जगह पे शिफ्ट होते थे. पीपल ऑफ दिस ट्राइब, इस ट्राइब के जो पीपल हैं मेनली लिव्ड इन फॉरेस्ट, ये जनरली फॉरेस्ट में रहते हैं. एंड नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया में ये रहते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, एंड यू ऑल्सो शुड फाइंड आउट द एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 2 हिस्ट्री. थैंक यू.